तो पाकिस्तान के अलावा कुछ और खबरों पर नजर डाल देते हैं। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज वाराणसी के दौरे पर हैं। शेर बहादुर देउबा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद शेर बहादुर देउबा ने पशुपति मंदिर के भी जाकर वहां पर पूजा अर्चना की। और इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में भी जाकर दर्शन किए। तो वाराणसी के दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। काल भैरव में भी जाकर पूजा अर्चना की और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और पिछले कुछ सालों में तुर्कमेनिस्तान के अंदर योग काफी प्रचलित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2015 की यात्रा के दौरान अशगाबाद में भारतीय दूतावास ने एक योग केंद्र स्थापित किया था। अपने तुर्कमेनिस्तान प्रवास के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र में योगाभ्यास देखा और महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पौधारोपण भी किया। और इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैष्टो ने भारतीय योग टीचर से मुलाकात कर उनके अनुभवों को जाना। मैं इस वक्त हूं अशगाबाद के योग एवं पारंपरिक चिकित्सा केंद्र में, जिसे भारतीय दूतावास चला रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं और ये ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भारतीय दूतावास ने इनके लिए एक इंस्ट्रक्टर तैनात की हुई है जो रोज़ाना इनको योगाभ्यास करवाती हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। शीतल, ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स हैं आपके? मेरे अराउंड 800 स्टूडेंट्स हैं। 800? और कितने बैचेज आप चलाती हैं? 7 बैचेस पर डे। 7 बैचेस, और कितने देर का होता है एक बैच का ड्यूरेशन? 1 आवर्स। तो आप 7 घंटे इनको योगा सिखा रही है, तो आपका तो 7 गुना फिटनेस बढ़ा हुआ लग रहा है। आई डू प्रैक्टिस। ये किस तरह का, कैसे आप, लैंग्वेज बैरियर है, किस तरह से आपने इनको सिखाया, कैसा इनका रिस्पांस रहा है? सी, यू नो, लैंग्वेज वाज नेवर अ बैरियर। थोड़े बहुत वर्ड्स तो मैं इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ और इंग्लिश, तो दे अंडरस्टैंड। यहाँ पर लिखा है योग एवं परंपरागत चिकित्सा केंद्र, तो यहाँ पर कोई आयुर्वेद का भी है? यहाँ पे आयुर्वेदा सेंटर भी है जहाँ पे आयुर्वेदा एक्सपर्ट यहाँ पे पेशेंट से मिलते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, उनका कंसल्टिंग करते हैं, उनकी दिक्कतें जान के उनको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे भी हो जाता है। कब खुला था ये केंद्र? ये 2015 में खुला है, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। राइट, तभी। उस वक्त से लेकर अब तक किस तरह का तरक्की आपने देखी आपने स्टूडेंट्स में काफ़ी एनकरेजमेंट रहती है क्लास अटेंड करने का, और ऑब्वियसली दे गेट बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तभी वो आ रहे हैं, और दे फील पीस ऑफ माइंड। और यहाँ पे ये हॉल है जहाँ पे जो हम लोग प्रैक्टिस है, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट वाइब। तो जैसे कि आपने सुना, ये सभी मुस्कुराते चेहरे हैं जिनको योगाभ्यास करने से लाभ भी हुआ है, और ना सिर्फ आपके शरीर को लेकिन आपकी आत्मा को भी योग का लाभ होता है। कैमरामैन लोकनाथ के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD News, अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान।
और अब नजर डालते हैं कोविड की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 1096 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 1447 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.23% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.24% दर्ज की गई। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 184,66,00,000 की संख्या पार कर गया है। वहीं 12 से 14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 1,85,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। और करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन कल हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई बाइक रैली पर पथराव के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस दौरान कुछ लोगों ने 6 से ज्यादा दुकानों में आग लगा दी, साथ ही 2 बाइक को भी जला दिया। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि नवसंसद के मौके पर हिंदू संगठनों की ओर से बाइक रैली निकाली जा रही थी। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जैसे ही हटवाड़ा बाजार में पहुंची, असामाजिक तत्वों ने उस पर पथराव कर दिया। इसके बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए। पथराव से कुछ लोगों को चोट भी लगी। पथराव की वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई और व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने 6 से ज्यादा दुकान और 2 बाइक में आग लगा दी। उपद्रव की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। एक बाइक रैली जो निकल रही थी उस पे बाजार में जब बाइक रैली थी तो पथराव हुआ उस पे। उस पथराव के बाद दोनों तरफ से पथराव भी हुआ और कुछ आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। लगभग 2 दर्जन के करीब लोग उसमें घायल हुए हैं। एक घायल थोड़ा सीरियस है जिसको जयपुर रेफर किया गया है। इस घटना के तुरंत पश्चात जो करौली में फोर्स उपलब्ध है उसके अलावा IG भरतपुर करौली पहुंच गए हैं। बाहर से काफी सारा फोर्स, करीब 600 लोग हमने करौली के लिए रवाना की थी, जो उनमें से करीब आधा फोर्स करौली पहुंच गया है। और अभी के जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें करौली के अंदर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रवी कोई भी हो उसको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाए। और आज राज्यसभा दिवस है। राज्यसभा को उच्च सदन और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी सदन के रूप में राज्यसभा की स्थापना 1952 में की गई थी। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि राज्यसभा दिवस की बधाई। अपनी स्थापना के समय से ही राज्यसभा ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं राज्यसभा सदस्यों से लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक बहस में शामिल होने की अपील करना चाहता हूं। और गंभीर आर्थिक संकट की वजह से इन दिनों श्रीलंका की सरकार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता के बढ़ते विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए श्रीलंकाई सरकार ने सभी सोशल मीडिया साइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंकाई सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध का असर करीब 2 दर्जन सोशल मीडिया साइट्स पर पड़ा है। इसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम शामिल है। श्रीलंका की सरकार ने कहा कि दुष्प्रचार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आज के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले ही सरकार ने कल से ही 36 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू सोमवार तक जारी रहेगा। श्रीलंका में बिजली संकट और बढ़ते महंगाई की मार से आम लोग परेशान हैं। श्रीलंका की सरकार विदेशी मुद्रा की भयंकर कमी का सामना कर रही है। इसकी वजह से वह जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए भी भुगतान नहीं कर पा रही है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 के प्रकोप से निपटने के लिए एक नवीन योजना जारी की है। इसमें 3 संभावित परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, जिसमें इस साल महामारी जैसे हालात उभर सकते हैं। नवीन रणनीति, तैयारी और तत्पर जवाबी कार्रवाई की योजना के जरिए रणनीतिक सामंजस्य सभी देशों के लिए जरूरी है। इससे COVID-19 के संक्रमण और प्रभाव को कम करने और वैश्विक महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि यूनाइटेड किंगडम में कोविड का एक नया वेरिएंट मिला है। इसका नाम XE रखा गया है। WHO के अनुसार ये नया वेरिएंट कोरोना के अब तक के मिले किसी भी स्ट्रेन से ज्यादा संक्रामक हो सकता है। और चीन अपडेटेड स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान फॉर COVID-19। दिस इज आवर थर्ड स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर COVID-19।
और चीन के आर्थिक गढ़ समझे जाने वाले शंघाई में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने कोरोना प्रतिबंधों के दूसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत लोगों के आने जाने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इससे पहले कोरोना प्रतिबंधों का पहला चरण लागू किया गया था। प्रशासन ने शहर को दो हिस्सों में विभाजित करके चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से शंघाई के नए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो सेंटर को कोरोना केंद्र में बदल दिया गया है। वहां शुक्रवार को 1500 नए मरीज लाए गए। और वहीं ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि XE के बारे में पहली बार 19 जनवरी को पता चला था और अब तक नए वेरिएंट के 637 मामले सामने आए हैं। इस बीच ओमिक्रॉन का BA.2 सब वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के ताजा सर्वे में कहा गया है कि यूके में कुछ 49 लाख लोगों को 26 मार्च को समाप्त सप्ताह में या पिछले सप्ताह की तुलना में 6 लाख से अधिक लोगों को कोविड से संक्रमित पाया गया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिकों का लक्ष्य यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण हिस्से पर कब्जा करना था। शनिवार देर रात जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर दबाव बनाने के लिए रूस को सैन्य संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं। उन्होंने चारों ओर से रूसी सैनिकों से घिरे होने के बाद भी मारियोपोल शहर की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के सैनिकों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि मारियोपोल में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से रूसी सैनिकों को शहर में दाखिल होने से रोक रखा है, उससे दूसरे शहरों में भी सेना को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिल रही है। और स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को यूक्रेन के समर्थन और रूसी हमले के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में पुतिन विरोधी तख्ती और यूक्रेन का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने स्विट्जरलैंड में फेडरल पैलेस के सामने भी प्रदर्शन किया। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के राजदूत आर्टेम आर्वचनको ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और समर्थन जताने के लिए स्थानीय लोगों का आभार जताया। यूक्रेन के बुका शहर पर हमले के 3 दिन बाद भी शहर की गलियों में आम लोगों के शव बिखरे पड़े हैं। रूसी सैनिक राजधानी कीव के पास हमला कर बढ़त हासिल करने के बाद अचानक पीछे लौट गई। दो देशों के बीच जारी घमासान युद्ध कितना भीषण और भयावह है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सर्द मौसम की हवाओं में धमाकों के बाद भी बारूद की गंध की गलियों में बिखरे शवों के बीच महसूस किया जा सकता है। गलियों में बिखरे दर्जनों लोगों के शवों को देखने के बाद 66 साल की वेस्ली के चेहरे पर डर, दर्द और मातम की खामोशी साफ दिखाई देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार 1 महीने से ज्यादा समय से जारी रूसी हमले में अनगिनत लोग मारे गए हैं। हमले के बाद तबाही के आलम का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि स्थानीय निवासी वेसल के घर के पास ही बीच सड़क पर और उसके दरवाजे के नजदीक भी शव बिखरे पड़े हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और कोलंबिया की ओर से यूक्रेन की जनता के प्रति अपना समर्थन जताया। दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच शनिवार को फोन लाइन पर करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने रूसी हमले को तुरंत रोकने की मांग की और दुनिया के नेताओं से इस हमले की कड़ी निंदा करने की बात कही। कोलंबिया में रह रहे यूक्रेन के लोगों ने बोगोटा में युद्ध के विरोध में धरना दिया। धरने में यूक्रेन के लोग 25 मीटर लंबे ध्वज और यूक्रेन के समर्थन में पोस्टर भी लिए हुए थे। यूक्रेन के लोग कोलंबिया में रूस के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ अपने देश के लिए डोनेशन भी देने की अपील कर रहे ताकि अपने देशवासियों की मदद कर सके। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया ने 2021 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की है। और बात खेल की कर लेते हैं तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। जहां पंजाब ने सीजन 2 में से 1 मैच में सफलता हासिल की है, वहीं अब तक CSK के टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। हालांकि दोनों टीमों की कमान इस बार नए कप्तानों के हाथों में है। ऐसे में इस सीजन होने वाला मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच काफी खास होने वाला है। चेन्नई ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं लेकिन दोनों में ही हार का मुंह देखना पड़ा। IPL 2022 का पहला मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच लखनऊ के खिलाफ खेला गया, यह मैच भी चेन्नई 6 विकेट से हार गई। और IPL में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 23 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। राजस्थान की ओर से जोस बटलर ने शानदार शतक लगाया। जवाब में मुंबई की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने 61 जबकि ईशान किशन ने 54 रन की पारी खेली।
और शनिवार को ही खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हुआ, जहां गुजरात ने दिल्ली को 14 रन से हरा दिया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को FIH प्रो लीग टाई के शुरुआती मैच में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से मात दी। कलिंगा स्टेडियम में दो मुकाबलों के टाई का यह मैच तय समय में 3-3 की बराबरी पर छूटा, जिसके बाद परिणाम के लिए शूटआउट का सहारा लेना पड़ा। इस जीत से भारतीय टीम ने 2 अंक हासिल किए, जबकि इंग्लैंड की टीम ने 1 अंक हासिल किया। इसी के साथ भारत 9 मैचों में 18 अंक के साथ तालिका में टॉप पर पहुंच गया है। और पोलैंड की टेनिस स्टार और विश्व टेनिस में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली इगा स्वियातेक ने मियामी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्वियातेक ने फाइनल मुकाबले में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हराकर खिताब को अपना बनाया। स्वियातेक की यह लगातार 17वीं जीत है, जबकि उनका लगातार तीसरा WTA 1000 खिताब है। स्वियातेक की जीत के वैसे बेहद खास है, क्योंकि वो एक ही सीजन में इंडियन वेल्स और मियामी ओपन का खिताब जीतने वाली विश्व की केवल चौथी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। उनसे पहले ये कारनामा स्टेफी ग्राफ ने साल 1994 और 1996 में, जबकि किम क्लाइटस ने साल 2005 में और विक्टोरिया अजोरिका ने साल 2016 में किया था। और चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। वहीं रमजान का पवित्र महीना तो चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और देश भर के मंदिरों में माता जी की पूजा अर्चना की जा रही है। और आज का दिन दूसरा दिन यानी कि माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का माना जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। और माना जाता है कि इसमें व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव सफलता मिलती है, विजय प्राप्त होती है। और वही रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। देश के कई हिस्सों में कल शाम को चांद दिखाई दिया। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना है और महीने के अंत में ईद उल फितर मनाई जाएगी। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रमजान का पवित्र महीना आरंभ होने पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की है कि रमजान लोगों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा। नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि रमजान के पवित्र माह के प्रारंभ होने पर बधाई। रमजान ईश्वर में आस्था और प्रार्थना, जीवन में पवित्रता, करुणा तथा त्याग का प्रतीक है। देशवासियों को रमजान की हार्दिक बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की है कि रमजान का यह महीना लोगों को गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही यह हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। और आजादी के सफर के इस अंक में हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे महान स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय को, जिनका जन्म 1903 में 3 अप्रैल को मंगलुरु में हुआ था। आज भारतीय सेना में लुधियाना सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह, चोहर सिंह और इमाम अली की पुण्यतिथि भी है। हम उन्हें भी याद करेंगे। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और कला जगत से जुड़ी महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1903 में 3 अप्रैल को मंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। उस समय के आम प्रचलन के अनुसार 14 वर्ष की अबोध उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। विवाह के 2 वर्ष बाद वे विधवा हो गई। बाद में कमला की मित्रता सरोजिनी नायडू की छोटी बहन सुहासिनी चट्टोपाध्याय से हुई, जिन्होंने कमला को अपने बड़े भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मिलवाया। कला और थिएटर के प्रेमी कमला और हरिंद्रनाथ ने भारी सामाजिक विरोध के बावजूद विवाह कर लिया। कमला के श्वसुर
एक प्रगतिशील विचारक थे, उन्होंने कमला को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1927 में कमला इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गईं और स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे सेवा दल में आ गईं और इसके बाद नमक सत्याग्रह की प्रबल और मुखर समर्थक बन गईं। वे 1930 में नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घोषित 7 सदस्यों के नेतृत्व दल में भी शामिल थीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब कमला देवी इंग्लैंड में थीं। उन्होंने अन्य देशों के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तुरंत विश्व भ्रमण शुरू कर दिया और युद्ध के बाद आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। 1947 के बंटवारे के दौरान कमला देवी ने प्रवासियों के लिए नए घर की व्यवस्था करने में अथक परिश्रम किया। उन्होंने बंटवारे की यातना भुगत रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद की। कमला देवी ने महिला उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे देश में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली। कमला देवी का कला से गहरा लगाव था। उन्होंने भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अनवरत प्रयास किया। उन्होंने हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता की। उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अधिकांश विदेश यात्राओं के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित हैं। उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए सन 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1974 में संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य और शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तमा से सम्मानित किया। 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अंतिम सांस ली। महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय को शत शत नमन। आज हम ब्रिटिश भारतीय सेना में लुधियाना सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह, चुहुर सिंह और इमाम अली की भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे 1857 में सतलज डिवीजन में नियुक्त थे। दिल्ली और मेरठ की गतिविधियों से प्रभावित इन सिपाहियों ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में सक्रिय भाग लिया। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विश्वासघात और विद्रोह का आरोप लगाया गया। बूटा सिंह, चुहुर सिंह और इमाम अली को मौत की सजा सुनाई गई और 3 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देश के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। तो इन्हीं खबरों के साथ अभी बस इतना ही। नमस्कार।